क्या है आपके ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र, क्या कहती हैं आपकी राशियां, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें पितरों की पूजा, कैसे करें नवरात्रों में पूजा, हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से। हम जब पूजा करते हैं, कई बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता पूजा करते समय, कई बोलते हैं हमारे आंसू आते हैं, कोई बोलता है हमारे को उबासियां आती हैं। क्या कारण है? आज मैं आपको वो कारण बता देता हूँ कि पहला कारण क्या है कि हमको उबासियां आती हैं। एक फ़ोन आया, गुरुजी हम जब भी पूजा करते हैं वैसे सब काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं आसन में बैठती हूँ और मेरे को उबासी आ जाती। ममता निगम जी हैं, उनका फ़ोन आया कि गुरुजी मैं जैसी पूजा में बैठती हूँ मुझे उबासियाँ और आंसू आने लग जाते हैं। इसके कारण हैं आपको क्या है, भक्ति में विचलितता हो जाती है। आपको जो दुर्स्वप्न आ रहे हैं, आपके अंदर हीन भावनाएं जो हो रही है, नेगेटिव बोलते हैं, जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके ग्रह क्या हैं, कमज़ोर ग्रह हैं। आपका कमज़ोर ग्रह होने के कारण आप जब भी पूजा में बैठेंगे तो आपके आंसू आ जाते हैं। आंसू क्यों आते हैं? एक तो या तो आपको भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, और एक अगर विश्वास है तो आपका भय मन विचलित है। आपके घर में कुछ अरिष्ट व्यक्ति आया, उसका नज़र लग गई आपके ऊपर, उस नज़र दोष के कारण आप क्या है, आपकी पूजा वह खंडित होती जा रही है। तो भक्तों, इसलिए अपने जब भी पूजा स्थान हों, पूजन करने जा रहे हों, स्थान पर बैठें तो हाथ मुँह स्नान ध्यान कर कर जो भी आप स्नान करते हैं उसके बाद अपने आसन पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। फिर आप आसन में बैठें, भगवान का पूजन करें, आपके आंसू आना, आपके उबासी आना बंद हो जाएंगे, आपका जो मन विचलित होता वो बंद हो जाएगा। परंतु आसन का बंधन जरूर करना चाहिए। अगर आपको इस विषय में फिर कोई जानकारियाँ चाहिए होती हैं, आप आसन बंधन कैसे करें, इस विषय में कोई भी अन्य इस प्रकार की जो जानकारी चाहिए होंगी, तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु भक्तों, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि पूजा में हर किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए अपने आसन के पास। वह व्यक्ति वहाँ पर आकर आपके नेगेटिव ही छोड़ देता है, अरे वाह ये तो इतनी घंटे पूजा करता, इसके यहाँ तो ऐसे चले, अच्छा इसलिए बढ़िया होता है। ये नज़र दोष के कारण भी आपके जो है आसन पर बैठने में विचलता हो जाती, कई कई प्रकार के दोष होते हैं, ये सब कुंडली के माध्यम से आपके अंक के हिसाब से देखा जाता है। आप कोई भी चीज़ जिज्ञासा रखना चाहें, पूछना चाहें, विशेषता चाहें, तो इसमें चैनल में मेरा नाम नंबर है, आप कभी भी संपर्क कर सकते। जय श्री राधे। क्या है आपके ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र, क्या कहती हैं आपकी राशियां, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें पितरों की पूजा, कैसे करें नवरात्रों में पूजा, हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से।